आईटी रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन अकाउंट से लिंक किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 26 अप्रैल को याचिकाकर्ताओं की दलील सुनी। इस मामले पर सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आईटी एक्ट की सेक्शन 39A को चुनौती देते हुए सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर ने अपनी दलीलें पेश की। निजता के अधिकार में ना जाते हुए उन्होंने कहा कि आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 की अवहेलना है। अरविंद दातर ने कहा कि सरकार ने ना सिर्फ कोर्ट को ये दिलासा दिया था कि उनकी ओर से आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी एक ऑर्डर है। इसका जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतागी ने कहा कि सरकार ने ये तब कहा था जब आधार कानून संसद में पास नहीं किया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बायोमेट्रिक डिटेल्स के अलावा कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके अंतर्गत आइडेंटिटी डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। अरविंद दातर ने आधार एक्ट की धारा 3 का हवाला देते हुए पूछा कि जब तक उसमें संशोधन नहीं किया जाता तब तक आधार को अनिवार्य कैसे बनाया जा सकता है। इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को जारी रहेगी। नमिता सिंह, गो न्यूज़।